हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे कुछ डिस्कशंस करना चाहूँगी, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। ये कोई भी फैशन रिलेटेड या लाइफस्टाइल या कोई मेरे कैटेगरी रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये करंट अफेयर्स पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। तो इट्स अबाउट वेरी कॉमन एंड हॉट टॉपिक इन द होल वाइड वर्ल्ड। इट्स अबाउट कोरोना वायरस, क्योंकि मेरे को लगता है ये मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक वीडियो बनाना है इस पर एंड टू शेयर एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई हैव गैदर्ड विथ यू ऑल। तो विदाउट एनी फर्दर अडू विल जंप ऑन टू द वीडियो। तो कोरोना वायरस जो है, हमें बताया जा रहा है कि हम इससे प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं, व्हाट आर द प्रिवेंशंस एंड प्रिकॉशंस, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, व्हाट इज द इंडियन गवर्नमेंट डूइंग एंड व्हाट इज चाइना गवर्नमेंट डूइंग, ये सब बता रहे हैं। बट सबसे पहले हमें ये जानना है व्हाट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इज अ हाईली कंटीजियस फ्लू वायरस, सो इट इज It spreads just like that and it's an airborne virus which we have to avoid as much as we can. कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिससे ये इससे एक फ्लू वायरस है जो स्प्रेड हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वायरस इज स्प्रेड जस्ट लाइक दैट। तो ये वायरस खुले में घूमती है क्योंकि अभी इसके कोई मेडिकेशंस नहीं है, हम लोगों के पास कोई दवाई ऐसा नहीं है जो कोरोना वायरस को ठीक कर सके, इसलिए हमें इससे बच के रहना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन दैट वी कैन डू राइट नाउ। क्यों? तो अभी जैसे कि हमने जान लिया है कि कोरोना वायरस क्या है, अब सबसे पहला हमारा ये काम है जानना कि इसके सिम्टम्स क्या है। अगर हमें किसी वायरस के बारे में पता है तो उससे बचने के लिए हमें ये सबसे ज़्यादा पता होना ज़रूरी है कि उसके सिम्टम्स क्या है, सो दैट इफ़ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दैट वी नो द सिम्टम्स, वी कैन जस्ट हेल्प द पर्सन गेट थ्रू इट और help ourselves if we get any of the symptoms, help ourselves by reporting it to the doctor and to just save our family. So the common symptoms of this infections are, there are two cases, one is mild case and one is severe case. एक है जो mildly attack होता है और एक है बहुत severe case. तो माइल्ड द फर्स्ट साइन ऑफ द माइल्ड केस इज फीवर, यानी कि बुखार, सबसे पहला साइन है बुखार। देन वी कैन गेट कफ, खांसी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंबे सांस नहीं ले पाओगे और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ। दीज आर द केसेस ऑफ दिस आर द सिम्टम्स ऑफ माइल्ड केसेस ऑफ कोरोना वायरस। नाउ मूविंग ऑन टू द सीवियर केसेस, सीवियर केसेस में हमें हो सकता है निमोनिया, हमें हो सकता है एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी आपको सांस लेने में, आप सांस नहीं ले पाओगे, आपकी सांस नहीं चलेगी। निमोनिया तो हमें सभी को पता है। देन द थर्ड साइन इज किडनी फेलियर एंड ऑफ कोर्स द लास्ट वन इज डेथ। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन साइंस ऑफ दिस इन्फेक्शन ऑफ द कोरोना वायरस। नाउ वी नीड टू नो इज द टिल डेट अपडेट ऑफ कोरोना वायरस। आज का अपडेट कोरोना वायरस का है 73,437 पॉजिटिव केसेस हो इन द होल वाइड वर्ल्ड। डेथ्स आर 18,074। थ्री पीपल हैव बीन सस्पेक्टेड इन केरला एंड सिक्स टेस्ट हैव बीन कन्फर्म्ड पॉजिटिव ऑन क्रूज शिप दैट इज डायमंड प्रिंसेस ऑफ जापान। जापान में एक क्रूज शिप है जिसका नाम डायमंड प्रिंसेस है, उसमें इन टोटल है 542 पीपल हैव गॉट कोरोना वायरस। तो 542 पीपल कोरोना वायरस से सिर्फ पॉजिटिव है जापान के उस क्रूज शिप में, जिसमें से 6 इंडियंस है। जो फर्स्ट केस इंडिया में सस्पेक्टेड था वो था केरला में, जो हुआन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। हुआन में सबसे पहले कंफर्म किया गया है चाइना में कोरोना वायरस। तो हुआन हैज बीन टोटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड फ्रॉम चाइना। चाइना ने हुआन और उसके प्रोविंसेस को पूरा कट ऑफ कर दिया है पूरे वर्ल्ड से, ताकि ये वायरस स्प्रेड ना हो। चाइनीज गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग steps in order to prevent this virus. We need to know what India is doing in order to
avoid the spreading of coronavirus, the Ministry of Health has made some isolation wards in major hospitals. Isolation wards matlab aisa ward jo ki baki pure hospital se ekdam alag hai, ekdam apne mein hai, isolated hai, jisme se koi bhi disease bahar nahi ja sakti, uski viruses bahar nahi ja sakte. Aur measures have also been taken in order to take the tests of coronavirus. Agar jab hum coronavirus ke test ke liye ja rahe hai agar to wo viruses kyunki wo airborne hai to ye bahut hi aasan nahi hai, baki viruses ke sath hum ise nahi rakh sakte, otherwise wo bhi wahan se bhi wo spread hona chalu ho jayenge. To udhar bhi wo cheez ko bhi isolated kiya ja raha hai, test karne ke jagah ko alag kar diya ja raha hai. So this is what the Ministry of Health is doing, and also thermal sensors have been put up at the airport mein thermal sensors laga diye gaye hain, and people who are reporting syndrome during flight or on landing at the airport are being tested and also being quarantined. So hamare airports mein जो भी सस्पेक्ट जिसको भी थोड़ा सिंड्रम्स हो रहा है कोरोना वायरस से, जैसे फ्लू हो रहा है, खांसी हो रही है, जैसे कि हमने बताया फीवर है, तो उन्हें हम लोग एयरपोर्ट, देर हैव बिन डॉक्टर्स एंड देर आर पीपल हु आर टेकिंग टेस्ट फ्रॉम दोज पीपल जो उन लोगों से टेस्ट करवा रहे हैं और उसको क्वारंटाइन कर रहे हैं. क्वारंटाइन करना मतलब एक जगह में रख देना उन लोगों को, एक घर में घुसा. सॉरी गाइज, तो कैमरा में कुछ दिक्कत आ गई थी तो मेरे को फ़ोन में शूट करना पड़ रहा है. तो एज आई वाज सेइंग, क्वारंटाइन मतलब बाकी सभी को अलग से चेक करना और उसे एकदम आइसोलेट कर देना. तो ये दीज वर द स्टेप्स जो इंडियन गवर्नमेंट ले रहा है, और सम ऑफ द स्टेप्स वी इंडिविजुअल्स विल हैव टू टेक इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस डिजीज. दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज वॉश आर हैंड्स वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत ही फ्रिक्वेंटली हमें अपने हाथ धोने हैं विथ हैंड वॉश मिनिमम फॉर 20 सेकेंड्स. And then we can avoid touching our eyes, nose and mouth when we are out, क्योंकि वो हम लोग बहुत ऐसे चीज़ें पकड़ते हैं जो contaminated होते हैं viruses से. So then it will help us, if we do not touch ourselves then it will help us not to get the germs from hands to inside your body. This was the second thing that we can do. The third thing is, and keep it in front of your mouth, or you can use your elbow as well if you're sneezing. So these are the, so that it does not spread as much as it spreads if you're coughing in open without anything covered. Sneezing or flu ho raha hai ya fever aa raha hai, so then we should go voluntarily to the doctor and report ourselves and get yourselves checked. Just stay indoors. अगर तबीयत खराब हो रही है तो just stay indoors if possible, जब तक आप recover नहीं कर रहे हो. And yeah, just keep yourself safe. The non-veg part of the food, then it is the best, but if you cannot just cut it off, then you can just try and reduce the consumption of it, and also don't take it raw or uncooked. So yeah, that is the other thing that we can do. Yeah, so these were some of the things that we can do in order to just you know, stop spreading it and not let it get infected. Open spaces, so yeah, just stay safe. That is all I can say, and I will see you soon in the next video. Bye guys.